अक्षय तृतीया उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता है, इस कारण से अक्षय कहा गया है। आज के मंगल दिवस के साथ युगों के अद्भुत पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इस उत्सव जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अक्षय तृतीया से त्रेता युग का आरंभ हुआ है। आज भगवान श्री परशुराम जयंती है। ये तिथि पर ही हस्तिनापुर के दरबार में हो रहे द्रौपदी के चीरहरण को प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरपुर के द्रौपदी का मान रखा था। ये तिथि पर ही महाभारत युद्ध का अंत हुआ था। इस तिथि पर ही गुरुकुल के कई वर्ष पश्चात द्वारिका में श्री कृष्ण और सुदामा का अलौकिक सखा मिलन आज ही तिथि में हुआ था। चार धाम में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के द्वार इसी तिथि से ही खुलते हैं। इस तिथि पर ही जगन्नाथपुरी में हर वर्ष योजित रथ यात्रा के रथ के निर्माण कार्य आरंभ होता है। वृंदावन में विराजित श्री बांके बिहारी जी प्रभु के श्री चरण के दर्शन पूर्ण वर्ष दरमियान मात आज के दिन ही होते हैं। अक्षय तृतीया पर ही गिरिराज जी के ऊपर पुरनमल क्षत्रिय द्वारा बनाए गए मंदिर की नींव श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से रखी गई थी। अक्षय तृतीया पर ही मंदिर के निर्माण कार्य के 20 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 1576 में श्री महाप्रभु जी के द्वारा श्रीनाथ जी का पाठोत्सव हुआ था। और भी कई सारे प्रसंग जुड़े हुए यह उत्सव के साथ। ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए पुष्टि मार्ग से संबंधित जानकारी के लिए विजिट व्रजद्वार.com फॉर मोर।